हेलो एवरीवन वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट कार्बोहाइड्रेट्स देखते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स का बच्चों जनरल फॉर्मूला जो है Cn H2n O n Cn H2n and O n यानी कि जितने नंबर्स होंगे कार्बन के n फॉर इज अ नंबर ऑफ कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे और जितने कार्बन के मॉलिक्यूल्स से, हैं सेम उतने ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मिलके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फॉर्मूला बनेगा दिस कार्बोहाइड्रेट जस्ट फॉर एग्जांपल सी ग्लूकोज सी फाइव एच टेन ओ फाइव इज द राइबो शुगर पैंटो शुगर जो होती है जो आपको डीएनए और आरएनए में मिलती है सी फाइव एच टेन ओ फाइव ठीक है तो ये जनरल फॉर्मूला हमें ऐसे लिखा हुआ भी मिल सकता है बच्चों सी एन एच टू एन ओके का होल एच टू का होल एन ठीक है अब इसकी कैटेगरी है बच्चों क्या कैटेगराइजेशन है कार्बोहाइड्रेट्स को सेकेराइड्स कहा जाता है ओके okay, तो थ्री सेकेराइड्स के फॉर्म यहां पे लिखेंगे फर्स्ट वन इज अ मोनोसेकेराइड्स मोनोसेकड्स सेकेंड वन इज अ सेक्यूराइड्स यस ऑलिगो एंड थर्ड वन इज अ पॉलीसेक्राइट थर्ड वन इज बच्चो पॉलीसेक्य आपसे बोला है मोनोसेकेराइट्स यानी कि मोलिक्यूल्स अलग अलग है मॉलिक्यूल्स किसी भी केमिकल बॉन्ड से बाइंडेड नहीं है बच्चो मोनो ठीक है सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल्स जस्ट लाइक एक एग्जाम्पल मैंने ग्लूकोज को एक वॉटर ग्लास में घोल दिया है एक चम्मच ग्लूकोज को अब आप बोलोगे मैम ये तो बहुत सारे हैं। इसको मालिक्यूलोसोज के केमिकल बॉन्ड्स के नहीं है यहाँ पे डिजोल्व हो गए आपके इसमें वॉटर में okay? तो ऐसे ही मॉलिक्यूल जब कोई भी केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू बाइंड नहीं है ये मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे जो भी मॉलिक्यूल्स जो भी साइज है इसका तो मोनोसेकेट्स है मोनोसेकेट मोनो आपका माइक्रोमोलिक्यूल्स में आते हैं पढ़ा है आपने ग्लूकोज ग्लैक्टोज फ्रक्टोज जिसका डाल्टन डाल्टन साइज 18 से 800 होता है उसको हम माइक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं तो अगर माइक्रोमोलिक्यूल्स वाली वीडियोस आपने नहीं देखी है तो फर्स्ट वीडियो सबसे पहले वहां पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है पहले वो देख लेंगे फिर ही आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा ओके तो मोनोसेक्राइट्स का एग्जाम्पल है बच्चों ग्लूकोज क्टोज ग्लैक्टोज एक और सिंपल सी चीज है जैसे ग्लूकोज में सी सिक्स सिक्स कार्बन होते हैं सो इज अकॉल्ड अग्सो शुगर राइबो शुगर में फाइव कार्बन होते हैं सो इज अकॉल्ड अ पेंटोस शुगर ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कुछ फॉर्म आपको बता देती हूँ बेटा सी थ्री इज अ ट्रायोज सी फोर इज अ टेट्रोस

तो दो अगर मॉलिक्यूल्स हैं जस्ट लाइक ग्लूकोज 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 फ्रैक्ट्रोज ग्लूकोज ठीक है ये मिलके अगर मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं दो मॉलिक्यूल्स मिलके मॉलिक्यूल्ड तीन मॉलिक्यूल मिलके बना रहे हैं कॉल्ड है, 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 ट्राई सेकेराइट्रासेराइट ऐसे ही चलता रहेगा डाई सेकराइड्स के एग्जाम्पल देख लो बच्चों डाई सेक्राइट्स के एग्जाम्पल ही पूछे जाएंगे इससे आगे ट्राई और टेट्रा आपके सिलेबस में कुछ नहीं है बच्चों तो डाइसेकेट में सबसे पहले माल्टोज लिखेंगे माल्टोज जो स्टार्च है आपकी बॉडी में ठीक है माल्टोज एक्चुअली दो मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज 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 के दो मॉलिक्यूल से एक माल्टोज बन जाता है ठीक है तो यहाँ ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज लिख देंगे बच्चों ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज क्लियर है सुक्रोज सुक्रोज कैसे बन जाता है बच्चों एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज मिलके सुक्रोज का फॉर्मेशन कर लेता है एंड लैक्टोज मिल्क शुगर मिल्क शुगर में क्या मिल, किससे मिलके है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज एक ग्लूकोज आपको। दिस वन इज द एग्जाम्पल ऑफ अ सेकेराइट याद रखेंगे इसको बेटा अब पॉलीसेकेराइट पे आ जाते हैं मोर देन टेन मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेकेराइट मोनोसेकेराइट के दस मॉलिक्यूल से ज्यादा अगर मिल जाए तो पॉलीसेक्राइट बना देते हैं पॉलीसेक्राइट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे मैं समझाती हूँ पॉलिसेक्राइट्स okay, को स्पेशली समझना है दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टार लगा लो यहां पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है चल दस से ज्यादा मॉलिक्यूल हैं जब मोनोसेक्राइट्स के दे फॉर्म लीनियर चेन भी फॉर्म कर सकते हैं और हेलिक्स स्ट्रक्चर भी फॉर्म कर सकते हैं बच्चों चलो तो पॉलीसेकेराइड्स को पहले दो में डिवाइड करोगे आप होमोपॉलीसेकेराइड्स एंड हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स होमोपॉलीसेकेराइड्स एंड हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स यहां तक विजिबल है बच्चों यहां तक आगे तक विजिबल नहीं है तो मैं यहां बीच में लिख देती हूं पॉलीसेकेराइड्स दो में डिवाइड करेंगे होमो एंड हैटीरो होमोपोलीसेराइट यानी सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स से मिलके बना हुआ पॉलीमर है सो इज कॉल्ड अ होमो पॉलीसेकेराइट सॉरी <coughs> हटीरोपोलीसेराइट मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मोनोमर से मिलके बना हुआ पॉलीमर है इज कॉल्ड हटीरो पॉलीसेकेराइट्स ओके okay? नाउ होमोपोलीसेराइड को भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे एक ऐसे होमोपोलीसेराइड जो स्टोरेज का, का काम करते हैं एक नेक्स्ट ऐसे जो कि स्ट्रक्चर बनाने का काम का करते हैं ठीक है ऐसे डिवीजन करके याद करेंगे तब आपको जल्दी लर्न हो जाएगा बेटा एक है स्टोरेज का, का काम करे है एग्जाम्पल सबसे पहले अपने अंदर ही आ जाओ ग्लाइकोजन ग्लूकोज 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 को जोड़ के ग्लाइकोजन इंसुलिन बना देता है और लिवर में स्टोर करवा देता है ठीक है तो यहाँ पे हमारे अंदर स्टोर्ड फूड है बेटा ग्लूकोज ग्लूकोज की चेन ठीक है ये बना लो यहाँ पे ग्लूकोज 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 की चेन दिस वन इज कॉल्ड अ ग्लाइकोजन ओके ये क्या है एग्जाम्पल ग्लाइकोजन सिंपली भी लिख सकते हो उसको डायरेक्टली लिख दो ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन स्टोरेज कंपोनेंट इन एनिमल्स एंड बैक्टीरिया में भी मिलता है बेटा याद रखना एनिमल एंड बैक्टीरिया और इनुलिन डेहलिया की रूट्स में सेकेंड एग्जाम्पल इज इनुलिन इनुलिन इज द पॉलीमर ऑफ ग्लाइकोजन इज पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज इनुलिन इज द पॉलीमर ऑफ लिख लेना बेटा दिस वन इज पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज ये लाइन एनसीआर में मेंशन है और एक बार क्वेश्चन 2020 में आया है इनुलिन कहा मिलेगा आपको रूट ऑफ द डेहलिया रूट ऑफ डेहलिया रूट ऑफ एसपर सतावरी ठीक है मेडिसिन में प्लांट यूज होता है इनकी रूट स्वेल हो जाती है क्योंकि ये फ्रक्टोज का स्टोर करके रखती है तो यहां Delia. Delia है ठीक तो पे रूट ऑफ की फ्लावर आते हैं बेटा और क्या हो जाएगा स्टोरेज में प्लांट क्या स्टोर करके रखते हैं प्लांट स्टोर करके रखते हैं स्टार्च ओके प्लांट स्टार्च स्टोर करके रखते हैं नेक्स्ट पे आ जाएंगे ओके okay, विजेबल है बेटा स्टार्च को मैं ऊपर लिख देती हूँ ऐसा करती हूँ नेक्स्ट थर्ड वन इज स्टोरेज में स्ट्रक्चर बना रहे हैं किसी ना किसी पार्ट का स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे जस्ट लाइक इज एग्जाम्पल ऑफ काइटिन काइटिन किस में मिलता है आपको द वॉल ऑफ फंगस इज मेड अप ऑफ काइटिन द एक्सोस्केलेटन

स्टोरेज एंड स्ट्रक्चर ओके। स्टोरेज में लिखेंगे पॉलीमर में एग्जाम्पल हयालूरोनिक एसिड हयालू एसिड थोड़ा सा अच्छे से लर्न करना पड़ेगा इसको दो तीन बार तब जाके लर्न होगा कहां पे प्रेजेंट है ये साइनोवियल फ्लूड जहां जहां ज्वाइंट होते हैं आपकी बॉडी में वहां मिलते हैं साइनोवियल फ्लूड्स और ये साइनोवियल फ्लूड्स के अंदर कंपोजिशन है ओके एसिड किससे मिलके बना है दो कंपोनेंट होने चाहिए तभी तो पॉलीमर है बेटा ये एसिटाइल ग्लूकोसामी एंड ग्लूकोरोनिक एसिड ठीक है एसिटाइल एसिटाइल ग्लूकोसामीन ग्लू एंड सेकेंड वन इज द ग्लूकोरोनिक एसिड ओके सेकेंड थिंग इज द ग्लूकोरोनिक ओके okay? तो दो कंपोनेंट से मिलके बनाए नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाने के लिए बैक्टीरिया की सेल वॉल बनाने के लिए यहां तक दिखाई दे रहा है बच्चों आपको के, करने के लिए yes, Peptidoglycan, Peptidoglycan की बनी होती है बैक्टीरिया की पैप्टीडोग्लाइकन इज अ पॉलीसेकेराइड्स किसका बना हुआ पॉलीसेकेराइड है नैग नैम नैग नैम अल्टरनेट मैनर पे लगे होते हैं बेटा नैग नैम नैग नैम अल्टरनेट मैनर पे लगे होते हैं एन एसिटाइल एनिटाइल एन एसिटाइल एनटाइल एसिड इस तरीके से लगे होते हैं और यस स्ट्रक्चर में एक और चीज लिखेंगे सेलुलोज प्लांट की सेल वॉल भी तो स्ट्रक्चर बनाने का काम कर रही है ना बेटा सेकेंड एग्जाम्पल इज अ सेलुलोज सेलुलस प्लांट सेल वॉल यस प्लांट सेल वॉल यू नो वेरी वेल प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलोस चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट इसके बाद मैं थोड़ा सा कंटेंट आपको लिखवाऊंगी कि क्या होता है स्टार्च स्टार्च कौन से दो कंपोनेंट का बना है दिस वन इज मेड अप ऑफ अमाइलो पैक्टेन दिस वन मेड ऑफ अमाइलो पैक्टेन अमाइलोस ठीक है अभी लिखवाऊंगी बेटा इसको नोट कर लो पहले दिस स्टार्च के बारे में लिखवा देती हूँ स्टार्च के दो कंपोनेंट है याद रखेंगे इससे पहले कई बार क्वेश्चन आ चुका है स्टार्च के दो कंपोनेंट है बेटा अमाइलोज लेकिन स्टार्च इज हा होमोसेक्राइट इसको पॉलीसेक्राइट में समझना ठीक है मतलब जस्ट लाइक सॉरी इज अ पॉलीसेक्राइट स्टार्च इज द पॉलीसेक्राइट बट इट इज अ पॉलीमर है पॉलीमर में समझना ठीक है अमाइलोज एंड अमाइलोन से मिलके बना है ठीक है अच्छा स्टार्च जो है बेटा स्ट्रक्चर है, स्टार्च इज हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड सेलुलोज भी पॉलीमर है बट सेलुलोज इज अ लीनियर चेन ऑफ ग्लूकोज ग्लूकोज की लीनियर चेन है ठीक है सिंपल चेन है लीनियर चेन अब होता क्या है आयोडीन सोल्यूशन अगर हम ऐड कर देते हैं स्टार्च के अंदर तो वो आपको ब्लू ब्लैक कलर दे देता है बेटा यस बट हेयर अ नो इफेक्ट ऑफ स्टार्च यहाँ पे सॉरी आयोडीन सोल्यूशन यहाँ आयोडीन सोल्यूशन ऐड कर दो आप कोई इफेक्ट नहीं आएगा नो कलर चेंज बट स्टार्च के साथ कलर आ रहा है क्यों वो भी ग्लूकोज है वो भी ग्लूकोज है ड्यू टू द स्ट्रक्चर वेरिएशंस स्टार्च का स्ट्रक्चर हैलिक्स फॉर्म में प्रेजेंट है और अगर हैलिक्स फॉर्म में है तो वहां पे आयोडीन के मॉलिक्यूल्स ट्रैप हो जाते हैं अंदर ठीक है फिक्स हो जाते हैं उस के अंदर और जब ये फिक्स हो जाते हैं तो वहां पे कलर देते हैं ठीक है अब यहाँ पे जो सेलुलोज है सेलुलोज एक लीनियर चेन है यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो है आयोडीन के वो फिक्स नहीं हो पाते और ये कलर नहीं दे पाते याद रखेंगे ठीक है ड्यू टू द स्ट्रक्चर वेरिएशंस अच्छा इसके बाद आप आते हैं स्ट्रक्चर बनाने पे ठीक है कैसे आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है और आपको पेंटो शुगर का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है और अटैच कैसे करना है ओके okay? चलो जल्दी से देख लोगे बेटा इसको फर्स्ट वन इज अ ग्लूकोज ग्लूकोज को, को ड्रॉ करना मेरे साथ साथ आप कॉपी में ड्रॉ करोगे तब जल्दी आपको लर्न हो जाएगा बेटा ठीक है सबसे पहले हेक्सोज रिंग सिक्स कार्बन वाला है है ना ऑक्सीजन को यहां बनाओगे जैसे एक माउस की आइस बना रहे हैं आप ठीक है अब क्या करना है सारे ओ OH को नीचे गिरा देना है एक्सेप्ट थर्ड वन वाला वन टू थ्री सारे ओएच OH को नीचे गिरा दो ओ एच ओ एच एक्सेप्ट थर्ड वन वाला ओ OH एच ऊपर कर दो बाकी ओ OH, एच और सिक्स वाले कार्बन को बाहर निकाल दो बेटा सी एच टू ओ एच और यहाँ पहले से ही ओ है ऊपर तो हमें नीचे एच लिखना पड़ेगा ठीक है तो तो अगर आप इसको खाली भी छोड़ देते हो तो इसका एच हो मतलब जाता है 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 बेटा ठीक समझ ये ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर सिंपल है अब इसमें कंफ्यूज करने के लिए आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज कुछ नहीं है ये पोजीशन याद रखो फर्स्ट वन वाली अगर ओ नीचे है बेटा तो लिख दोगे इसको अल्फा ग्लूकोज अगर ओ एच ऊपर है तो बना दोगे बीटा ग्लूकोज ठीक है बीटा ग्लूकोज का भी स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर देती हूँ बीटा यस yes? ओके okay? बीटा ग्लूकोज में क्या करना है ओ एच ऊपर एच नीचे यहाँ पे सब सेम रहेगा बाकी सिर्फ फर्स्ट पोजीशन में हमने चेंज करना था सी एच टू ओ एच एंड दिस वन इज एच बीटा ग्लूकोज यस अब पेंटोस शुगर बना लेते हैं पेंटोस शुगर का एग्जाम्पल राइबो शुगर राइबोस शुगर और भी आसान है बेटा एक पर्सन जैसा बना रहे हो आप ये इसका हैंड है दोनों हैंड में फ्लैग पकड़ा दो बेटा ओ एच एच ठीक है यहाँ पे एच यहाँ पे फिफ्थ वाला कार्बन बाहर निकाल दो यहां सिक्स वाला कार्बन बाहर था यहाँ फिफ्थ वाला कार्बन बाहर निकाल दो कैसे काउंटिंग किया हमने वन टू थ्री फोर नंबरिंग ऐसे ही याद रखेंगे बेटा ओ एच ओ एच को नीचे गिरा दो दोनों साइड में ठीक है इसको हमने क्या बनाया था एक पैर से लंगड़ा बनाया था डिफेक्ट बनाया था ना लेकिन यहां ठीक बनाना है ये दिस वन इज अ राइबोस शुगर ठीक है ये कौन सी शुगर है बेटा अल्फा राइबोस बीटा बना दू अगर मैं तो सिर्फ ऐसा ही करना है ओ OH को ऊपर कर देना है सिंपल है बना लोगे अच्छा जो आपका प्रेजेंट होती है डीएनए इज अ डीऑक्सी ऑक्सीराइबो शुगर डीऑक्सी राइबोस बनाने के लिए कहा जाए क्या करोगे बेटा एक ऑक्सीजन सेकंड वाले कार्बन का ये ओ OH एच का निकाल दोगे डी ऑक्सीजन को बाहर निकाल देना है ठीक है ये ऑक्सीजन मैंने बाहर निकाल दिया दैट मीन अम सी एच टू ओ एच H, okay, and this one is become deoxyribose sugar, deoxyribose sugar, deoxyribose sugar. Yes? उसका screenshot ले सकते हो। फिर bonding बनाना बताती हूँ आपको। किस type से bonding बन सकती है, okay? किस type से bonding produce हो सकती है? चलो noted? अब ज का मुझे चेन बने रहना देना चाहिए चलो आ जाओ यहां पे बॉन्डिंग के लिए कोई भी दो ये ले लो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स ले मालिक यूज लेना ग्लूकोज ग्लूकोज क्या बन जाते हैं बेटा माल्टोज मान लो मैं एक माल्टोज बना रही हूं सपोज दैट वी आर प्रिपेयरिंग अ माल्टोज क्या करना है बेटा वही काम करना है हमेशा जब भी बॉन्ड बनाना है वाटर को बाहर निकालना है ठीक है वाटर को बाहर निकाल दो निकाल दिया वाटर है ना ओ एच दो थे हमारे पास एच टू ओ निकाल दिया एच टू जब आपने निकाला है बेटा तो हमारे पास सिर्फ ओ बचेगा बीच में तो ये ओ ऐसे बना हुआ है आपकी बुक में ठीक है बुक में कैसे बना हुआ है बेटा ऐसे बना हुआ है बुक में ऐसे ऐसे लीनियर स्ट्रक्चर ड्रॉ करे हुए हैं तो ये आपको क्या बताता है कौन सा बॉन्ड है अभी बताती हूँ नंबरिंग कैसे करोगे इस तरीके से चेन कितनी भी लंबी हो सकती है ठीक है नंबरिंग कैसे करोगे नंबरिंग करो वन टू थ्री फोर और ये वन क्या लिंकेज बनेगा वन फोर अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी बोल सकते हो वन फोर अल्फा ग्लाइकोसेडिक बॉन्ड और लिंकेज ठीक है अच्छा अब ये बात हो गई कि जब आपको लीनियर चेन बनानी है तो वन फोर पोजिशन पे आपने ज्वाइन कर लिया लेकिन अगर आपको क्या बनानी है ब्रांचेज बनानी है ब्रांचेज लगानी है हाल स्ट्रक्चर बनाना है तब क्या करोगे तब ब्रांचिंग हमेशा याद रखना बेटा सिक्स वन वाले कार्बन के साथ होती है जो कार्बन बाहर है आपका उसके साथ ब्रांचिंग हो सकती है बस तो ब्रांचिंग के लिए यहां पे देखोगे यस yes, बच्चों अगर ब्रांचिंग लगाने की बात की जाए तो ब्रांचिंग में कहा जा रही है जो की वन फोर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज वन फोर ग्लाइकोसिडिक जाए तो कौन से कार्बन पे ब्रांच लगेगी सिक्स वन वाले कार्बन पे ब्रांच लगेगी सिक्स वन वाला कार्बन जो है उस पे ब्रांचिंग के लिए एक नया ये आ गया ना मॉलिक्यूल्स ऐसे और भी लंबा हो सकता है ना एक और भी ब्रांच बना सकते हो आप ओके okay? इस तरीके से है ना इस तरीके से मॉलिक्यूल्स का एक ब्रांच में कहां से जोड़नी है सिक्स वाले कार्बन से कैसे जोड़ा यहां पे ओएच OH था इसका भी ओएच OH था दोनों ओएच ओएच में से वाटर निकाल दिया सिर्फ ओ बचा है ना कौन सी पोजीशन है बेटा ये वन फर्स्ट पोजीशन है ये सिक्स पोजीशन है दैट मींस 16 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से आप जोड़ रहे हैं एक नई ब्रांच को ठीक है तो ऐसे ही है बुक में आपको ऐसे ऐसे करके एक डायग्राम बना के दिखाया हुआ है वो यही लिंकेज दिखाया हुआ है और आपको यहाँ से ब्रांचिंग दिखाई गई है है ना वो यही है उसको देख के डरना नहीं है यही समझाया गया ब्रांचिंग कहाँ से हो रही है सिक्स पोजिशन से ऐसे याद रखेगा ठीक है तो ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में और नीट के एग्जाम्स में मिल सकते हैं ओके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे न्यूक्लिक एसिड